एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस, सुबह के बजे हैं अभी 9 और क्या कहते हैं, चाय हम पी चुके हैं। बस अब थोड़ी देर में जाती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी करने। साथ साथ मैंने लगा ली है मशीन, मैंने कहा वो भी काम खत्म हो जाएगा और फिर अंदर करती हूँ जस्टिन, क्योंकि रूमा आ जाती है बहुत जल्दी, 11 बजे तक आ जाती है। तो मैं कह रही साथ साथ मेरा काम हो जाए और मैं टाइम से फ्री हो जाऊँ। फिर होता है कि दोपहर की रोटी सब्जी का भी टाइम हो जाता है। तो गाइस, चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। अरे लोगों को क्या लग रहा, ये मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी नंद के साथ भी ऐसा ही करते थे, अब आप बताओ। नहीं। हाँ तो मैं क्या करूँगी? नंद वो तो एक किरदार है, देखो वो किरदार है और एक गाइस फनी किरदार है। एक हम फनी वो कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि सबके साथ ऐसा है, एक फनी एक्टिंग है बस, उसमें और कुछ भी नहीं है। असलियत में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ये तो हम ऐसे ही थोड़ा सा बना लेते हैं कि फनी टाइप में, कि चलो थोड़ा सा भी वीडियो शूट करें, बाकी ऐसा कुछ भी इंटेंशंस नहीं होती अंदर कि ये काम होते हैं, चाहे दीदी है चाहे मैं, नहीं कोई कर नहीं नंदों के साथ, नंद भाभी के साथ ऐसा कर नहीं होता, पर ये तो ऐसे हम एक मजाक में करते हैं। तो एक और देखो, मैं और नंदों का तो हक होता भी है, मैं देखो एक चीज बताऊं, नंदों का हक होता भी है भाई भाभी से लेने का, होता है नहीं होता? घर की बेटी होती है, हक होता है लेने का, तो कोई दिक्कत नहीं अगर मैं कर रही हूँ, पर मैं वैसे फनी उसमें कर रही हूँ। तो लोगों को ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप ऐसे कर रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो, गलत मैसेज में बिल्कुल भी नहीं दे रहे। एक फनी वीडियो है बस, उसको आप फनी वीडियो के रूप में लो, बाकी कुछ भी नहीं है। आगे अभी तो मैंने स्टार्ट करी है, हो सकता है आगे कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करे या कुछ भी करे, तो आप इन चीजों को मन में मत लो। नहीं एक उसमें लो कि हम देख रहे हैं बस, ये नाटक एक्ट्रेस है वो देखो। हाँ बस उसमें वो देखो ही मत कि आप रियलिटी में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो बाकी अगर होता हो तो मुझे नहीं पता देखो इन चीजों को, पर मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा। तो बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे पर, बट मैंने ये मुझे कह रहे हैं, कहते नहीं कोई बनाऊ ना बनाऊ आगे है अब बढ़िया। एक बात, जब शुरू कर देंगे ना फिर अपने अपने माइंड में आने लग जाती है। हाँ माइंड में आने लग जाती है और चीजें। अब मैं यही सोच रही हूँ थोड़ा और नया कुछ और लेकर आते हैं, हैं? हाँ। और आज सुनो, मैं वो वाला नीला सूट डाल रही हूँ, कल जब जाना है तो मैं नीला सूट को धो देती हूँ, इसको इजी में धो दूँ ना, है ना? पर एक बार उसकी चुन्नी धोई थी, बहुत रंग उतरा था, है बहुत ज्यादा, मैं कहती हूँ बुरी हालत हो गई थी उसकी। सबके उतरता है ना ये फिरोजी कलर, मैंने देखा है। हाँ तो पर कोई बात नहीं, चलो पर मैं वो धोना तो पड़ेगा ही मेरे को, ठीक है ना? बस आप रेडी हो गए? अब चलो शॉप पे फिर, और दोपहर को देखूंगी क्या बनाऊंगी, बता दूंगी आपको, ठीक है? चलो तो गाइस, आज पूजा के पापा घर में ही बुला लिया है, अब गरम गरम खा लो, हैं? गरम गरम खा लो खाना, हाँ बिल्कुल गरम गरम बने हैं। नहीं नहीं तो अभी भी खाते हैं, मैं कहा चलो एसी में आके आराम से आप खा लोगे, गर्मी बाहर बहुत हो रही है, है ना? और बस ये काकू भी जाने वाला है, काकू भी गाइस ये लंच कर रहा है। काकू कैसे बने हैं? बढ़िया बने हैं ना? तू रेडी हो गया बिल्कुल नहा धो के? बस अब तूने बॉटल्स लेनी है, पौने दिन बॉटल्स लेनी है, और काकू भी गाइस चला जाएगा, और क्या कहते हैं फिर ये आएगा 10:15 के करीब। तो चलो आप भी खा लो, मैं भी ले आती हूँ। गाइस मैंने बनाए हैं आलू मटर और मैं जा रही हूँ पूजा के पापा की शॉप में, मैं कहा चलो शॉप पे भी हो जाती हूँ। और जब पूजा के पापा को भूख लगी थी तो उन्होंने कहा मेरे को ना आलू मटर की सब्जी और क्या कहते हैं और एक परांठा बना दे, तो वो भी मैंने बना लिया है, बस पैक कर लिया है। गाइस उनको जाकर देती हूँ और फिर जाती हूँ दीदी की शॉप पे, और दोबारा से मैं आपको जैसे हमने शॉर्ट वीडियो बना रहे तो उसी में और बनाएंगे। तो देखती हूँ दीदी कहती है आ जाइए, मैं कहा मैं भी फ्री हूँ इस समय, तो एक डेढ़ घंटा वहीं जा रही हूँ और थोड़ा सा वीडियो का काम है जो शूट का काम है वो खत्म करके वापस घर आती हूँ जब तक काकू भी आ जाएगा। गाइस अभी बजे हैं 7:30, तो मेरे पास अभी टाइम है, 10 बजे तक का टाइम है, तो मेरे को कोई जल्दी नहीं है, आराम से आ जाऊंगी। खाना बना लिया मैंने, सब कुछ कर लिया, तो बस आके मेरे को रोटियां सेकनी है, वो क्या 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, वो भी काम फटा। बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही है, आपने भी रोटी बनानी है? नहीं दीदी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक मक्खी नहीं है, हाँ एक मक्खी नहीं है। और अब सुनो मैं जा रही हूँ, है मैं तो कोफ्ते बनाए हैं, तूने क्या बनाया? मैं आलू मटर बनाए हैं, तो और दोपहर को राजमा बनाए थे, राजमा तो खत्म हो गए, वो पड़े हैं, ये क्या नाम है, मैंने करेले लिए थे। हाँ तो कोई नहीं आप बना लो, चलो मैं बना देती हूँ, ठीक है? भर के नहीं बनाऊंगी, काट के बनाऊंगी, भर के बड़ी मेहनत लगती है, कोई बात नहीं कर लेना, मेहनत बड़ी मेहनत लगती है दीदी। चलो दे दो, बना देती हूँ, दे दो
कोई नहीं, बना दूंगी आपको। थोड़ी सी हाँ, कोई नहीं, चलो दे दो ये करेले गाइस, मुझे बनाने हैं, चुकल लूंगी, कोई नहीं है। नहीं मैं मजाक कर रही, मुझे नहीं चाहिए तो बना। नहीं नहीं बना दूंगी, कोई बात नहीं, हाँ बना दूंगी भरे हुए करेले, इनको भी पसंद है। हाँ और शुगर वालों के लिए अच्छे होते हैं। और सुनो ये मेरे को ना बस 3-4 कोफ्ते देना, क्योंकि मेरी सब्जी पड़ी है, फिर सुबह ना वही पड़ जाती है। चल कोई बात, थोड़े दे देना, थोड़े दे देना, कोई बात नहीं, जितना तेरा दिल है। हाँ बस 3-4, इससे ऊपर कोई भी नहीं। काकू वो खाता है आलू मटर, तो उतना ही बहुत है मेरे लिए, ज्यादा नहीं चाहिए। निक्की भी बुला दीजिए। हाँ मैं जाती हूँ, निक्की से बात करती हूँ, फिर मैं ना निकल जाऊंगी घर। हाँ और निक्की क्या हाल है? मेरा बढ़िया हाल चाल। अरे ये तो बड़ा शोर मचा रहे हैं ऊपर दोनों, ये बोल रहे हैं दीदी मिस्सी, ये देखो दीदी मिस्सी है, मैं दीदी मिस्सी हाँ, मिस कर रहे हैं, ये मुझे मिस कर रहे हैं। हाँ देखो मिस कर रहे हैं। हाँ बोलते हैं पर इनका शोर थोड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में। अच्छा लगता है दीदी, पता है सुबह जब ये चीखते हैं ना ऐसे चिल्लाते हैं, नींद खुल जाती होगी? नहीं उस टाइम तो सो ही रही होता, जब मैं उठती थी उसके अच्छा थोड़ा सा कपड़ा डाला होता है ना। हाँ हाँ हम रात को लाइट जला के सोते हैं, अच्छा तो पूरी रात लाइट चलती रहती है, या फिर टीवी चलता रहता है, फिर टीवी की भी लाइट आती है, आवाज आती है। हाँ तो इनके ऊपर ना कपड़ा डाल देते हैं, तो फिर सोए रहते हैं, जब हम सुबह 11 बजे भी कपड़ा हटाए ना तब जाके उठते हैं। अच्छा ऐसे करके लड़ाइयां लेते हैं, फिर सी की नहीं, अच्छे लगते हैं बड़े। हाँ इनके आवाज से मुझे थोड़ी सी शांति सी मिलती है। चलो कोई नहीं, हाँ अच्छा लगे, जो मन को अच्छा लगे। खुशी खुशी। और आप बताओ? ठीक है बस, अभी घर जाओगे? अब सीधा घर। हाँ खाना नहीं खाना, मैं सब्जी बना के आई हूँ। तो क्या हो गया? नहीं बनाई है सब्जी आलू मटर की, फिर ना सुबह कोई नहीं खाएगा। आलू मटर, आलू मटर बना के आई हूँ, रोटी बनानी होती है बस मेरे को जाके। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ शाम को बना लूँ टाइम से, मेरे से रात को नहीं बनती फिर। अच्छा, मेरे को 7 बजे, मेरे को आदत नहीं है, मैं आपको बताऊँ, मेरे को आदत जैसे रात तक काम करने की नहीं है। मुझे लगता है 10:30 किचन से फ्री होके हम बस अपना बिस्तरे में बस। मैं ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकती किचन पे, काम नहीं करती। नहीं 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 हम, मैं आपको अपनी रूटीन बताऊँ, मैं लास्ट 12 बजे तक जागती हूँ, और हमारा होता है कि हम 10:30 तक रोटी खा लेते हैं, 10:30-11 तक। दीदी मेरा शुरू से ये रूटीन है, आपको पता है। हम मैं सोच रहे होते हैं भाई क्या बनाना है। नहीं मेरी रूटीन है, 12 बजे सो जाते हैं, मैं उठ जाती हूँ फिर। तेरे को तो ऑफिस करके उठना है ना? पर मैं उठ जाती हूँ, ऑफिस ना जाना हो तो उठती है। दीदी हम शुरू से मेरी यही रूटीन है, शुरू से मेरी यही रूटीन है। तो फिर भी थोड़ी लेट हो गई है। हाँ पहले तो मैं 5:30-6 बजे, अब पता है इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती ना, पर क्या मैं सुबह उठती हूँ बस थोड़ा काम करा कुछ करा, घर में चक्कर लगा लेती हूँ। घर में क्या चक्कर है? पेड़ पौधों के पास जाके चक्कर लगाओ। नहीं बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ, खुली है बालकनी मेरी, अंदर बाहर चक्कर काटती हो जाता है मेरा। तो गई नहीं इसके। हाँ खुला है। हाँ मैंने देखा नहीं है। खुला है, लंबा है, पूरा लंबा है। हाँ हाँ पीछे की साइड आपका ब्लॉग देखा ना, तो उसमें बड़े-बड़े रूम पता लगे, बड़े हैं रूम। हाँ बड़े हैं, खुले खुले हैं, पर वैसे ही नहीं पता। नहीं बड़ा है काफी। हाँ आओ किसी दिन घर में, पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। चलो दीदी मैं चल रही हूँ, है मेरे को सब्जी लेनी है। हाँ और करेले बना दूंगी आपको, बना के दे दूंगी। ठीक है आपको ही भेज दूंगी, मेरे अच्छे बनते हैं बड़े करेले। हाँ मेरे करेले बड़े टेस्टी बनते हैं, सब बोलते हैं करेले मेरे बहुत टेस्टी बनते हैं, ट्राई करना इस बार खाना। ठीक है दीदी भेज दूंगी एक दिन में। ठीक है बाय। घर वापस आ चुकी हूँ, और आते ही मैंने सबसे पहले काम किया जो एसी चलाने का, इतना ऐसे लग रहा था पसीने पसीने आ रहे हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले एसी चलाती हूँ उसके बाद बनाती हूँ चावल। काकू का फोन आया, मम्मी क्या बनाया? मैंने कहा आलू मटर बनाया है। कहता मुझे रोटी नहीं खानी आलू मटर के साथ। मैंने कहा मैंने तो आटा भी गूंद रखा है। कह रहा नहीं मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे चावल। अब पूजा के पापा से पूछती हूँ कि वो क्या खाएंगे, अगर वो रोटी खाते हैं तो साथ 2 रोटी बना लूँगी। तो हमारे घर में क्या है, अगर चाहे रोटी या चावल एक ही चीज़ बनती है, तो दोनों चीज़ें कभी कभी वो पूजा का कहते हैं अगर मैं रोटी खाऊंगा तो पूरी रोटी खाऊंगा, चावल खाऊंगा तो चावल। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चांस ऐसा होता है तो दोनों चीज़ें खा भी लेते हैं, कोई वो नहीं होता। पर कोशिश हमारी ये होती है कि एक ही चीज़ बनाएं हम। तो अभी इनसे पूछती हूँ कि अगर रोटी खाएंगे तो इनको रोटी 2 बना के दे दूंगी। क्या बात है, गर्मी लग रही है? बहुत बुरी हालत है। हाँ मेरे को भी लग रही थी आते ही, मैंने सबसे पहले मैं कमरा ठंडा करती हूँ, और क्या कहते हैं काकू का फोन आया, वो चावल मांग रहा है, चावल बना दो। वो कह रहा है आलू मटर के साथ मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाऊंगा। नहीं सुन रहा ना, मैं क्या करूं बताओ? हैं अब आपके लिए 2 रोटी बना दूं? नहीं 2 रोटी बना देती हूँ। हैं तो आपका पेट भर गया था शाम को परांठे से? हैं आगे से ऐसे ही करा करूंगी मैं, शाम को आपके लिए रोटी या परांठा एक बना के ले आया करूंगी। सब्जी तो बनी जाती जल्दी, क्योंकि दीदी के साथ हम ये वाली मेरी वीडियो रोज बनेगी ये वाली। ठीक है नंद भाभी वाली, आपको कैसे लगी आप बताओ? हैं हाँ कैसे लगी? सही है, चलो धीरे धीरे रोज बनाऊंगी, फिर लोगों को हैबिट हो जाएगी देखने की। सारे लोग
हाँ, क्योंकि एक दिन से ना कुछ नहीं होता, धीरे धीरे बनाऊंगी रोज अलग अलग बननी नंद भाभी पे ही है, लेकिन स्टोरी डेली अलग होगी उसकी, ठीक है ना, स्टोरी डेली अलग होगी। तो यही काम अब सोच रही हूँ कि साथ एक ये भी बनाऊं, ठीक है ना, थोड़ा सा वो हो जाता है। और आप कहाँ चले अब, पानी मेरे लिए भी ला दो आप पानी। तो गाइस आके फटाक मैंने चावल बनाए, काकू भी आ गया, चावल खाना खा के हम लोग हो गए डिनर खा के बिल्कुल फ्री। तो पूजा के पापा ने मना कर दिया था मेरे लिए रोटी मत बनाइए, मैंने कहा ठीक है रोटी नहीं, किसी ने भी नहीं खाई, खाली हमने चावल ही बनाए हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल सारा दिन रोटी होगी, तो आज सारा दिन चावल ही दोपहर और रात को, क्योंकि काकू की वजह से ना हमारे घर में दोबारा बन गए चावल। तो कोई बात नहीं, पूजा के पापा कहते हैं जो बच्चे खाएं कोई नहीं, तो वो चावल ही बना दे, मेरे लिए भी मत बना रोटी। तो मैंने कहा ठीक है। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।